हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें क्या चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट से, किसका, 11 का। 11 से हमको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट है उसमें उनमें से कौन कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है और कौन सा नहीं होता है। और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कराया था, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि 11 का हम कैसे देखते हैं। अगर कोई नंबर है 1331, अगर कोई नंबर एज्यूम करते हैं कोई नंबर है 1331 और मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हम कैसे चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, इसका जो ऑड प्लेस पे डिजिट होती है और जो इवन प्लेस पे डिजिट होती है, ऑड मतलब ऑड नंबर कौन सा होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ऑड नंबर कौन से होते हैं जैसे 1, 3, 5, और इवन जो 2 से डिवाइड हुआ था जैसे 2, 4, 8 इस तरह के। तो मुझे देखना है ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ऑड प्लेस मतलब जो इसका फर्स्ट प्लेस है, ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये कौन सा नंबर पे, ये कौन से प्लेस पे, सेकंड, ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ प्लेस पे। हम आगे से काउंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है 1, सेकंड प्लेस पे कौन सा है 3, थर्ड प्लेस पे 3 और फोर्थ प्लेस पे 1। तो ये क्या है, और ऑड नंबर कौन सा होता है 1, 3। तो ऑड प्लेस डिजिट किसको बोलते हैं, 1 और 3 को, इसको। तो इनको क्या करूँ मैं, ऐड करूँगा ऑड प्लेस डिजिट को क्या करूँगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस 3। फिर कहूँगा इवन प्लेस डिजिट को क्या करूँगा, ऐड, तो इवन प्लेस कौन सा था 2 और 4 इवन है, तो यानी कि ये वाले जो नंबर है इनको क्या करूँगा, ऐड क्या बनेगा 3 प्लस 1। तो इसको ऐड करके भी 4 बना, इसको ऐड करके 4 करें। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है किससे, ऑड माइनस इवन। जो ऑड प्लेस पे जो नंबर बना ऐड करके, जो इवन प्लेस पे बना ऐड करके, उनको क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, तो ऑड पे क्या बना 4 और इवन पे क्या बना 4, तो आंसर क्या है इसका 4 माइनस 4 0। या तो आपका फाइनल आंसर 0 बनना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब या 11, 22, 44 समथिंग कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर आपका 0 या 11 का मल्टीपल बनता है तो मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बना 0, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता लग चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा है 5, 4, 4, 5। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इवन प्लेस पे डिजिट है मतलब या तो आप इवन और ऑड याद रख लो या फिर एक डिजिट छोड़ के कर लो। जैसे मैं पहले 5 करूँगा फिर एक डिजिट छोड़ूंगा, फिर 1, 4 करूँगा फिर एक डिजिट छोड़ूंगा, फिर आगे चलूँगा, या फिर आप इवन और ऑड कर लो। अब ये क्या, फर्स्ट प्लेस पे कौन सी वैल्यू थी ऑड, तो ये कौन सा है ऑड और ये भी ऑड, तो 5 और 4 को मैं ऐड कर लूँगा, कितना बनेगा। यहाँ पे क्या करना है मुझे, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ये तो ये ऑड की है, 5 और 4 कितना बनेगा 5 प्लस 4 कितना बनेगा 9, और इवन प्लेस की कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली, 5 और 4 कितना बनेगा 5 प्लस 4, ये भी 9 बना। और क्या करना, डिफरेंसेस मतलब दोनों का डिफरेंस, 9 माइनस 9 कितना बना 0। तो मैंने आपको क्या बोलता है, या तो यहाँ पे 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 0 बन रहा है मतलब क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। अब चलते इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सेम करेंगे, क्या करेंगे हम पहले इसका ऑड और इवन देखेंगे, ऑड प्लेस देखेंगे, तो ऑड एक डिजिट छोड़ के ये, फिर ये, फिर ये वाला नेक्स्ट एक एक छोड़ के, तो 1 प्लस 8 प्लस 4, तो ऑड प्लेस क्या देगा 1 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना बनेगा 13, 8 और 4 12 और 1 13। फिर करेंगे हम इवन प्लेस, यहाँ 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना बना 2। अब क्या करेंगे, सब ये डिफरेंसेस 13 में से 2 गया, 13 माइनस 2, तो 13 माइनस 2 का कितना है 11। और मैंने आपको क्या बोलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट में, क्या था, या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो ये 11 का मल्टीपल है मतलब 11 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एक एक को छोड़ के, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिफ्थ एंड फिर सेवन्थ, तो 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, तो कितना बन जाएगा 7, 8, 10, 19 और 5, 24।
उसके बाद क्या करें, इवन डिजिट, इवन प्लेस पे ये वाला एंड ये वाला, आठ वन प्लस एट प्लस सिक्स तो कितना बनेगा 15। अब क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या रहेगा उसका, 24 माइनस 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बना 9। ये तो होगा नहीं, मतलब ये ना तो 0 बना और ना ही 11 का मल्टीपल बना, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब चलते हैं उसके डी पार्ट पे, तो डी पार्ट के हम सेम ऐसा ही करेंगे, फर्स्ट फिर सेकंड थ्री वाला वन वन डिजिट छोड़ के, तो 7 1 और 9 और 0। तो पहले क्या लेंगे, 7 वन वन डिजिट छोड़ के, ये ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, 7 और 1 और 0, तो ये काम रहा 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0, तो 7 9 8 10, ये बन गया 17। अब ए वन प्लेस पे कौन कौन सा है, 0 6 3 एंड 8, ठीक है, 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 1 2 3 4, इसको ऐड कर लेंगे ये बन जाएगा 17। तो क्या नहीं डिफरेंसेस 17 माइनस 17 तो क्या आया 0, और हमारे पास क्या चाहता 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि क्या हो जाएगा 11 का डिविजिबल हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। अब चलते हैं इसके ए पार्ट पे, इसको भी हम सेम वैसे सॉल्व करेंगे एक एक छोड़ के, अब ये फर्स्ट डिजिट है, फिर ये वाली, फिर ये, धन का सम कितना जाएगा, ये तो 0 0 सारा है, तो इसका सम करके क्या जाएगा 1। अब देखिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या जाएगा 1, और सेम इसके लिए होगा, ये एक एक छोड़ के, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना जाएगा 1, और डिफरेंस क्या जाएगा 1 माइनस 1 तो क्या जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना जाएगा 0, तो ये भी क्या जाएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। अब चलते हैं इसके एफ पार्ट पे, तो एफ पार्ट को हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले क्या लेंगे 9 फिर 1 फिर 5, 1 1 डिजिट छोड़ के, तो 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना जाएगा 15, 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना बनेगा 15। फिर हम एक एक डिजिट छोड़ के जो ये बचे थे इवन प्लेस पे, क्या 0 प्लस 1 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 3 तो क्या बनेगा 4। अब डिफरेंस निकालेंगे इसका, डिफरेंस क्या बन जाएगा 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11। और हमने क्या बोलता 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।